पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार चतरा पुलिस लगातार नशा मुक्त चतरा बनाने की दिशा में प्रयासरत है। इसी के तहत लगातार हम लोग जो है सो गांव-गांव पहुंच करके वहां के विद्यालय, वहां के लोगों को अफीम की खेती के विरुद्ध जागरूक भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कानूनी पहलू के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, तथा साथ ही जो NDPS एक्ट के तहत जो 47 है उसका नोटिस भी सभी को तामिला कर रहे हैं, चाहे वो हमारा चौकीदार हो, चाहे गांव के जनप्रतिनिधि हो, चाहे अन्य कोई लोग जो पहले से अफीम की खेती में संलिप्त रहे हैं, सबको 47 का नोटिस दिया जा रहा है। इसी क्रम में लोगों से अपील भी की जा रही है कि न तो अफीम की खेती करें, न ही करने में किसी को सहयोग करें। इसी क्रम में कल जो है हमारा वन परिसर पदाधिकारी के साथ साथ हमारे लावालौंग थाना प्रभारी सशस्त्र बल के साथ एक दल को खनगरा भेजा गया था, जहाँ पे अफीम की खेती किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ पर खेत जो अफीम की खेती के लिए समतलीकरण का कार्य किया जा रहा था, इसी दौरान जो है वहाँ पर मौके पर से एक JCB मशीन को बरामद किया गया है, जब्त किया गया है। साथ ही साथ JCB के मशीन के पास से उसके मालिक बिशुन साव को गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा इनके विरुद्ध लावालौंग थाना कांड संख्या 6323 वन अधिनियम एवं NDPS के अनेक धाराओं में कांड दर्ज कर लिया गया है, तथा गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय अभिरक्षा में भेज दिया गया है। साथ ही साथ चतरा पुलिस का इन सभी लोगों का आमजनों से यह अपील है कि आपसे रिक्वेस्ट है, लगातार हम लोग अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम भी कर रहे हैं, आप सबसे अपील है कि न तो अफीम की खेती करें, न किसी को करने में सहयोग करें।